देखो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कंपैरिजन करके दिखाने वाले हैं ओप्पो A3 Pro 5G स्मार्टफोन वर्सेस ओप्पो A3 X के बारे में। ये दोनों स्मार्टफोन दोस्तों ओप्पो के सबसे बजटेबल स्मार्टफोन में से माने जाते हैं, जिसमें से दोस्तों जो ओप्पो A3 Pro है वो आप लोग को 20,000 रुपए के अंडर में देखने को मिलता है और वहीं ओप्पो A3 X आप लोग को 15,000 रुपए के अंडर में देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करके हम आप लोग को आज दिखाएंगे कि आखिरकार एक 20,000 रुपए के अंडर में आने वाला स्मार्टफोन 15,000 रुपए के बजट में आने वाले स्मार्टफोन की तुलना में कितना ज्यादा अच्छा होता है। दोस्तों इन दोनों की सबसे पहले अनबॉक्सिंग आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि दोनों का सबसे पहले तो जो केस कवर होता है वो दोनों का सेम होता है, मतलब कि इन दोनों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सेम होती है, जो कि आप लोग वीडियो के अंदर देख सकते हैं। बाकी इन दोनों की अनबॉक्सिंग जब स्टार्ट की थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि बॉक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा और इसके अलावा दोस्तों इनका एक केस कवर भी काफ़ी क्वालिटी वाला केस कवर है। इसके अलावा दोस्तों इस केस कवर के बाद में बात करते हैं इसके और क्वालिफिकेशन की, तो इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को सेम 5100 mAh की ही बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को सिम इंजेक्टर सेम देखने को मिल जाता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाते हैं और ये दोनों स्मार्टफोन दोस्तों आप लोगों को 45W के फास्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके बॉक्स के अंदर आप लोगों को USB टाइप सी की केबल देखने को मिल जाती है, जिसको कि आप लोग फोन से चार्ज लगाओगे। अब दोस्तों इन दोनों को वापस रिपैक कर देते हैं इनके बॉक्स की, जिसको कि हमने अनबॉक्सिंग की है। इसके बाद में आप लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में हम बताएंगे कि ये दोनों स्मार्टफोन आखिरकार कितने ज़्यादा बजटेबल स्मार्टफोन है अपनी प्राइस के अनुसार। सबसे पहले ओप्पो A3 Pro की बात करें तो ये स्मार्टफोन आप लोग को 20,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है और ये दोस्तों एक हैवी वेट के साथ आने वाला स्मार्टफोन है ओप्पो का, जो कि आप लोग को देख ही सकते हैं 20,000 रुपये के अंडर में आएगा। इसके सामने दोस्तों आप लोग ओप्पो A3 X को देखोगे तो आप लोग को साइज में भी थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा, साथ ही वेट में भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है ओप्पो A3 X का। इन दोनों का कलर काफ़ी सेम लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इन दोनों में से थोड़ा माइनर सा कलर का चेंज हो सकता है, क्योंकि जो ओप्पो A3 Pro है वो आप लोगों को थोड़ा गहरा कलर का देखने को मिल जाता है और वहीं ओप्पो A3 X आप लोगों को थोड़ा डार्क कलर का देखने को मिल जाता है। बाकी ये दोनों ही आप लोगों को ब्लू कलर के देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब इन दोनों को हम आप लोगों को दिखाते हैं ओपन करके, मतलब कि इनको स्विच ऑफ कर इनको ऑन करके, कि आखिरकार इन दोनों के अंदर आप लोगों को जो कैमरा डिफरेंस देखने को मिलेगा वो किस क्वालिटी का देखने को मिलता है। हमने सबसे पहले इन दोनों को स्विच ऑफ ओपन किया, तो सबसे पहले कौन सा फ़ोन स्विच ऑफ ओपन कर रहा है, तो वो है दोस्तों ओप्पो A3 Pro 5G स्मार्टफोन, जो कि 20,000 रुपये के अंडर में आता है और उसके सामने जो ओप्पो A3 X है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सरल नज़र आ रही है, या फिर कह सकते हैं उसकी तुलना में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। दोनों के स्विच ऑफ ओपन हो चुके हैं। हम इन दोनों के कैमरा टेस्टिंग के लिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिरकार इन दोनों की डिस्प्ले की बात की जाए सबसे पहले तो कि इन दोनों की जो डिस्प्ले होगी वो आप लोगों को 128 रिफ्रेश के साथ ही देखने को मिल जाती है और दोनों के अंदर आप लोगों को सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी रिफ्रेश रेट भी काफ़ी अच्छी होने वाली है दोनों के अंदर। बाकी इन दोनों के अंदर आप लोग जब उंगली फेरोगे या फिर इनकी रिफ्रेश रेट टेस्ट करोगे तो आप लोगों को काफ़ी कम ही चेंज दिखाई देगा इन दोनों के अंदर। बाकी सेटिंग में जाकर आप लोग देखोगे इनके अबाउट सेक्शन में जाके तो इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में आप लोग को पता चलेगा कि ये दोनों स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा वो एंड्रॉइड 40 ऑपरेटिंग सिस्टम बेस होने वाला है। इसके अलावा इन दोनों के अंदर आप लोगों को डायमेंसिटी 6300 का ही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 5100 की ही MAH की बैटरी देखने को मिल जाती है और ये दोनों स्मार्टफोन आप लोगों को सेम परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इन दोनों की जो प्राइस है वह बिल्कुल अलग अलग है। इसके अलावा इन दोनों की कैमरा टेस्टिंग करके हम आप लोगों को लाइव दिखाते हैं कि आखिरकार इन दोनों के कैमरे के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी इन दोनों को हमने अपने अपने फ़ोन की फ़ोटोज़ क्लिक की है तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों में से किसकी क्वालिटी बेहतर नज़र आ रही है। आप लोग देख पाओगे कि जो ओप्पो A3 X है वो आप लोग को थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है कैमरा क्वालिटी के अंदर और वहीं ओप्पो A3 Pro है वो आप लोग को थोड़ा लाइट देखने को मिल जाता है। इन दोनों की प्राइस की बात करें दोस्तों तो एक स्मार्टफोन आप लोगों को 20,000 रुपये के अंडर में आता है और एक आप लोगों को 15,000 रुपये के अंडर में देखने को मिल जाता है। बाकी इन दोनों में से आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और कंपैरिजन से हमें ये पता चला है कि ये दोनों स्मार्टफोन आप लोगों को सेम परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिल जाते हैं अलग अलग प्राइस रेंज के अंदर।